ओवरसीज जो हमारे कस्टमर हैं या क्लाइंट्स हैं उनके कुछ सवालात थे जिनका मैं आज जवाब देना चाहूँगा या उनको गाइड करना चाहूँगा। आज का जो कंटेंट है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है। और ग्वादर के अंदर जो लैंड की ट्रांसफ़र रजिस्ट्री इंतकाल का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड है, तो आप इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो आते हैं जनाब टॉपिक की तरफ। ग्वादर के ये जो मौजा जाते हैं जिनमें रेजिडेंशियल कैटेगरीज हैं, जिनमें वेयर हाउस कैटेगरीज हैं, या जिनमें बिजनेस कैटेगरीज हैं, या जो बी एंड आर का एरिया है, इनके ऊपर मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ सारी कैटेगरीज के ऊपर। और जो ग्वादर तहसील से हट के तहसील पसनी का एरिया है जिसमें कप्पर है, चुकेल है, शतंगी है, पसनी है, मुख्तलिफ मौजात हैं आयल सिटी के अंदर और आयल सिटी के बाहर, तो ट्रांसफ़र का जो ग्वादर में प्रोसेस है वो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि आपको रजिस्ट्री ही करवानी चाहिए। रजिस्ट्री के बाद आप अपना इंतकाल यहाँ पे दर्ज करवाएं, क्योंकि मोस्टली ज़मीनें जो एक्वायरिंग में चली जाती हैं, जिस तरह आयल सिटी का कुछ एरिए आयल सिटी ने जिस तरह एक्वायरिंग में कुछ ज़मीनें आयल सिटी की जो एक्वायरिंग में गई हैं एक्वायर हो चुकी हैं, जिस तरह आंकड़ा जो जनूबी है मौजा उसकी कुछ ज़मीनें भी एक्वायरिंग में गई हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ज़मीन की वो तो मार्केट प्राइस पे ही मिलती है। और लेकिन प्रॉब्लम ये होता है उसमें कि अगर आपकी रजिस्ट्री ना हुई हो तो उसमें वैल्यू में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम उसमें हो जाता है। तो रजिस्ट्री का इंतकाल प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है, उसके लिए हमारा जो नुमाइंदे हैं, हमारी जो टीम है, आपको इंशाल्लाह उसमें गाइड करेगी। उसके साथ आप चाबी ज़मीन लें ग्वादर में, ग्वादर में ज़मीन की रजिस्ट्री इंतकाल और उसके साथ साथ आपको जगह का जीपीएस ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने कई ऐसे केसेस आए हैं कि जिनके अंदर ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई, ट्रांसफ़र भी हो गया, लेकिन जो ख़रीदार था या जो क्लाइंट होता है उसको पता ही नहीं होता कि उसकी ज़मीन कहाँ पे है, किस एरिए में, क्योंकि ये पिलर वगैरह जो लगे होते हैं कुछ अर्से बाद हवाएँ तेज़ चलती हैं तो ये गिर जाते हैं, पता नहीं चलता। तो गूगल मैप पर आप इसको